तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश में 27 राज्यों में और विदेश के 15 देशों में भारतीय मूल के लोगों के लिए स्थापित है। ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और हम लोग अभी मुख्य रूप से इसमें जो कार्य करते हैं राष्ट्रवादी जनजागरण का कार्य करते हैं। राष्ट्रवाद के लिए सलूट तिरंगा लगातार पूरे देश भर में जनजागरण का कार्य कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकालते हैं और एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग देश में सेना के शहीद हो गए हैं उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करने का कार्य भी सलूट तिरंगा कर रही है। इसके साथ साथ सामाजिक स्तर पर कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण के ऊपर भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, मेडिकल कैंप्स, अभी हाल में ही हम लोगों ने 75 लाख लोगों का एक साथ एक दिन में कार्यक्रम किया था, मिशन वंदे मातरम। केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देश ना मनाए, राष्ट्रवाद को लेकर पूरे 365 दिन कार्य हो और देश को राष्ट्रवाद के लिए जागृत रखने के लिए हम लोगों ने सभी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी मदरसा पार्क और सामाजिक संगठनों के द्वारा सभी को मिलकर एक दिन में 75 लाख लोगों का मिशन वंदे मातरम का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से उपस्थित हैं, सलूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, मुजफ्फर हुसैन कलाल साहब हमारे दाहिने साइड में बैठे हुए हैं, ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं सलूट तिरंगा संगठन के। उनके साथ हमारे बीच में बैठे हुए हैं सच्चिदानंद पोखरियाल जी जो पूर्व मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार से और संगठन महामंत्री हैं। हम लोगों के साथ संजय सराफ जी हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं सलूट तिरंगा में। हम लोगों के साथ संपत सरस्वत जी हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और ये दोनों जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। अभी हम लोग जम्मू कश्मीर में एक 15 दिनों का राष्ट्रवादी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जो 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हम लोग पूरे प्रदेश के हर ज़िले में तिरंगा यात्रा करेंगे, जो बाइक से लोग तिरंगे झंडे को लेकर हाथ में टी शर्ट लगाकर और सलूट तिरंगा का बैनर लेके राष्ट्रवादी जनजागरण के लिए हर ज़िले में प्रतिदिन 1 से 15 तक हम लोग इस तरह के कार्य को आयोजन कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रवाद के भावनाओं को जन जन तक हर व्यक्ति तक प्रदेश में बढ़ाया जाए। ये केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में ये कार्यक्रम चलेगा 13 अगस्त से 15 अगस्त, लेकिन जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से हम लोग यह 15 दिनों का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे कि हम लोग जम्मू कश्मीर के आम आवाम को एक साथ अपने साथ तिरंगे के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि तिरंगा सभी का है, सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उनको घर से बाहर निकालना चाहते हैं और तिरंगा लेकर जम्मू कश्मीर में हम एक साथ सभी को एक प्लेटफॉर्म पे, जो गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, इसमें हम जोड़ना चाहते हैं। हम लोगों का मकसद है कि युवाओं को बाहर निकालना, एक साथ तिरंगे को लेकर चलना, महिलाओं को एक साथ निकालना और इस तिरंगे यात्रा के माध्यम से हम उनकी समस्याओं को भी समझें। और सलूट तिरंगा संगठन एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के जो युवाओं की जो समस्या है, महिलाओं की जो समस्या है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसको यात्रा के माध्यम से हम लोग जानने का भी प्रयास करेंगे और उसका समाधान का रास्ता भी ढूंढेंगे और हम समाधान के निष्कर्ष तक भी पहुंचेंगे।